तो दोस्तों हाउसफुल 4 के तमाम पोस्टर आउट होने के बाद इस वीडियो में हम हाउसफुल 4 के उन सभी 6 कैरेक्टर्स का ब्रेकडाउन करने वाले हैं जिनका पोस्टर आज 4 बजे तक रिलीज़ किया गया और जो फिल्म के लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस है। सबसे पहला कैरेक्टर है अक्षय कुमार का, जो कि 600 साल पहले 1419 में बाला के किरदार में नजर आए थे। अब इनके बारे में टीम क्या कहती है? यह है बाला, जो शैतान का साला है। इनके 600 साल के अंदर केवल बाल ही बदले हैं, लेकिन आज भी वो इतने ही शैतान हैं। खैर, बाला का जो कैरेक्टर है वो काफ़ी शैतानी अंदाज में नज़र आएगा। इनका कैरेक्टर होने वाला है काफ़ी ज़्यादा नालायक, जो कि पुराने ज़माने में इतने कांड करके आएगा कि सभी को बदला लेने के लिए अब 600 साल आगे आना पड़ेगा। तो ये होने वाला है अक्षय कुमार का बाला, यानी कि शैतान का साला वाला कैरेक्टर। देखना होगा कि बाला की ज़िंदगी का असर हैरी पर कितना पड़ता है, जो कि अब नज़र आएगा लंदन में अपना सलून चलाते हुए। अब इनकी एक्ट्रेस आएंगी सामने, जिनका नाम है मधु। जी हाँ दोस्तों, मधु यानी के कृति सैनन। इनका फर्स्ट लुक भी किसी से कम नहीं है। अपने पुराने अंदाज यानी कि मधु 1419 की राजकुमारी है, यानी कि बाला की होने वाली। अब वो नज़र आएंगी अब 2019 के अंदर, तो वो बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून है, यानी कि एक अमीर शहजादी। अभी भी उनका चक्कर सलून चलाने वाले हैरी से ही होने वाला है। खैर, देखना होगा कि इनकी कन्फ्यूज़न वाली लव स्टोरी 600 साल बाद किस प्रकार से पर्दे पर सामने आती है। अब चलिए हम मिल लेते हैं नृत्यकी बांगड़ू से। ये है रितेश देशमुख। 600 साल पहले ये बाला के दरबार में डांस मास्टर थे। अब इनके लाइफ के साथ ऐसा क्या होगा कि इनको मिलने के लिए 600 साल आगे रॉय के पास आना होगा? इनका कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जॉली होने वाला है, जो लड़कों को भी इम्प्रेस कर सकता है। रितेश इस लुक में काफ़ी ज़्यादा शानदार लग रहे हैं, लेकिन इनकी भी तो कोई होने वाली ज़रूर होंगी। उनका नाम है पूजा हेगड़े। जी हाँ दोस्तों, पूजा जो इस फिल्म के अंदर काफ़ी गॉर्जियस और हॉट अंदाज निभाने वाली है, जो कि पुराने ज़माने की राजकुमारी माला है और जो अब बन चुकी है पूजा। अब पूजा का 600 साल का सफ़र कितना ज़्यादा शानदार होने वाला है। पुराने ज़माने से ही इनकी नज़र हर ऐसे लड़के पर जाती है जो इन्हें पप जाता है, जो इन्हें पसंद आ जाता है। आज के ज़माने में भी पूजा उतना ही फ्लर्ट करते हुए नज़र आएगी, यानी कि कह सकते हैं कि पूजा का जो कैरेक्टर है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ्लर्टिंग वाला होने वाला है। चलिए अब मिलते हैं नए कैरेक्टर जो कि हाउसफुल में एंट्री कर रहे हैं। ये है मैक्स, जो कि आज के ज़माने में इनसे बड़ा फ्लर्टर कोई नहीं है, लड़कियों के मामले में सबसे आगे। लेकिन 600 साल पहले यही मैक्स हुआ करता था धर्मपुत्र। इसके जैसा ना कोई बलशाली था, ना ही इसको कोई छू सकता था। अपने राजकुमार बाला के लिए जान देने के लिए भी हमेशा तत्पर रहता था धर्मपुत्र। बॉबी देओल का ये फर्स्ट लुक वाकई में इतना ज़बरदस्त है कि इनको देखते ही काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। चलिए अब मिल लेते हैं कि हमारे धर्मपुत्र की राजकुमारी कौन होगी। ये है मीना, जो कि कृति खरबंदा है, जो कि आज के ज़माने की नेहा है। अब इनके कैरेक्टर और फर्स्ट लुक से साफ समझ में आता है कि इन्होंने ज़रूर 600 साल पहले ऐसा कांड किया है कि इनका ही रूप अब इनकी जान लेने के लिए 600 साल आगे आ गया है। यानी कि दोस्तों, ये है जो ऐसे पोस्टर जो फुल ऑन कन्फ्यूज़न कॉमेडी करते हुए नज़र आएंगे। ये थे हाउसफुल 4 के 6 लीड एक्टर एंड एक्ट्रेस के फर्स्ट लुक और उनके कैरेक्टर ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, इन सभी में से कौन आपको सबसे ज़्यादा गुदगुदाएगा? किसका कैरेक्टर आपको पसंद आया? किसकी जोड़ी आपको सबसे अच्छी लगी? सभी सवाल के जवाब कमेंट बॉक्स में दें और सब्सक्राइब करें देखो देखो, ताकि आने वाली हर इंटरेस्टिंग अपडेट बॉलीवुड से जुड़ी आपको यहाँ मिले सबसे पहले।